إن الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وأصحابه أجمعين أما بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ولما جاء موسى لميقاتنا وكلمه ربه قال ربي أرني قال ربي أرني أنظر إليك قال لن تراني ولكن انظر إلى الجبل فإن استقر مكانه فسوف تراني فلما تجلى ربه للجبل جعله دكا وخر موسى صعقا فلما أفاق قال سبحانك تبت إليك وأنا أول المؤمنين رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي ربنا زدنا علما رب يسر ولا تعسر وتم بالخير آمين يا رب العالمين आपके सामने मैंने एक आयत मुबारक सूरतुल आराफ से तिलावत की है, आयत नंबर 143। इसका तर्जुमा है, और जब मूसा हमारी मुकर्ररा मुद्दत के लिए आए और उससे उसके रब ने कलाम किया तो मूसा ने कहा, ए मेरे रब, मुझे अपनी झलक दिखा कि मैं तुझे देख सकूं। अल्लाह ताला ने मूसा अलैहि सलाम को कोहे तूर पे बुलाया, 30 रातों के लिए वहां पे बढ़ा के 40 रातें कर। जब मूसा अलैहि सलाम वहाँ पहुँचे मुकर्ररा जो मुद्दत थी उसके लिए, अब ये वो 40 रातों वाला वाक़या है या कोई और वाक़या है जब अल्लाह ताला ने उनको कोहे तूर पे बुलाया है, तो फिर जब मूसा अलैहि सलाम से अल्लाह ताला ने कलाम फरमाया, अल्लाह ताला ने बातचीत की मूसा अलैहि सलाम से, तो उनके दिल में आरजू हुई कि मैं अपने रब से बात तो कर रहा हूँ, मैं अपने रब को देखूँगी। तो उन्होंने फरमाया, ऐ मेरे रब, मुझे अपनी झलक दिखा कि मैं तुझे देख सकूं। अल्लाह ने फरमाया, तू मुझे हरगिज़ नहीं देख सकेगा, लेकिन तू इस पहाड़ की तरफ देख, फिर अगर वो अपनी जगह ठहरा रहा तो तू भी मुझे ज़रूर देख सकेगा। फिर जब उसके रब ने पहाड़ पर अपना जलवा डाला, एक तजल्ली डाली, तो इसे रेजा रेजा कर दिया और मूसा बेहोश होकर गिर पड़े। फिर जब वो होश में आए तो इन्होंने अर्ज़ की, ऐ अल्लाह, तू पाक है, मैं तेरे हुजूर तौबा करता हूँ और मैं सबसे पहला मोमिन हूँ। हदीस मुबारका में आता है कि हालांकि पहाड़ पर अल्लाह ताला का बहुत ही कम ज़ुहूर हुआ था, जैसा कि तफसीर तबरी में रिवायत है, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इस आयत की तिलावत की और फरमाया, पहाड़ पर अल्लाह ताला ने इंसान की चुंगली यानी जो छोटी उंगली है उसके पोर के बराबर अपना ज़ुहूर फरमाया था, पहाड़ रेजा रेजा हो गया, चूरा चूरा हो गया पहाड़। और इस दुनिया में अगर आप देखें, जो दुनिया है, इस दुनिया में जो सबसे अजीम मखलूक है अल्लाह की, सबसे ताकतवर, अपनी जगह जमे हुए, अल्लाह ताला ने जब उनको पैदा फरमाया था उस वक्त ऐसा पैदा फरमाया, क़यामत तक वो अल्लाह के हुक्म से ऐसे ही रहेंगे जब तक क़यामत ना आए। वो पहाड़ है, अल्लाह ताला ने अपनी हल्की सी बिल्कुल मामूली तजल्ली जब उस पहाड़ पर डाली है तो वो रेजा रेजा हो गया मूसा अलैहि सलाम के होश। अगर आप गौर करें सूरतुल हशर की आयत, सूरतुल हशर की आयत पे जो आखिर में है, आखिरी चार आयतों में चौथी आयत है, लौ अनज़लना हादल कुरान अला जबलिन लरअयतहु खाशियन मुतसद्दियन मिन खशियतिल्लाह वतिल्कल अम्थाल नदरिबुहा लिन्नासि लअल्लहुम यतफक्करून। और अगर हम इस कुरान को किसी पहाड़ पर नाजिल कर देते तो आप देखते कि वो दब जाता, वो रेजा रेजा हो जाता, फट पड़ता। और इसी तरह अल्लाह ताला मिसालें बयान करता है ताकि लोग गौर व फिक्र से काम। तो ये जो कलाम है कुरान, ये अल्लाह का कलाम, और इसमें भी वही ताकत है। और अगर पहाड़ पर ये कलाम उतार दिया जाता तो वो दब जाता और फट जाता और रेजा रेजा हो जाता, जैसे कि पहाड़
अल्लाह ताला ने उस पर अपनी तजल्ली डाली तो रेजा रेजा हो गया। तो इस कलाम में भी अल्लाह का कलाम है और इसमें भी वही ताकत है। बात यह है कि पहाड़ जो सबसे अजीम मखलूक है वो तो दब के रेजा रेजा हो जाता है, लेकिन इंसान जो कि अदना सी मखलूक है, कुछ भी नहीं है उस पहाड़ के आगे। एक पत्थर गिर जाए तो कितने लोग मर जाते हैं बस्ती में। आपने सुना ही होगा कि जो है ऊपर से पत्थर गिर गए और पूरी बस्ती दब गई। अदना सी मखलूक, और इंसान जो है उसका जो दिल है वो ही असल में सख्त हो जाता है, बल्कि पत्थर से भी ज्यादा सख्त हो जाता है। क्योंकि पत्थर तो वही पहाड़ से, पहाड़ पत्थर का ही है ना, वो भी रेजा रेजा हो जाए अगर उस पर पराग नाजिल हो जाए, लेकिन इंसान पे असर नहीं होता, वो तो पत्थरों से भी ज्यादा सख्त हो जाता है उसके दिल। तो महीना रमदान का है और रमदान कुरान का महीना है, तो हमें चाहिए कि हम ज्यादा से ज्यादा अपना ताल्लुक इस कुरान से जोड़ें और अपने दिल को पिघलाने की कोशिश करें। और उसका सबसे बड़ा जरिया कुरान का डायरेक्ट दिल पे उतरना अल्लाह के इज़्ज़त से। अगर आपको अरबी आ जाए और कुरान जो अरबी में आपसे बात कर रहा है वो आपके दिल पे उतरे, तो फिर जो कैफियत होगी वो तर्जुमे में कभी नहीं आती। कोई जबान का तर्जुमा उसका मुतबादिल नहीं होता, चाहे कोई भी जबान हो और कोई भी तर्जुमा हो। तो अरबी अगर हमें समझ आना शुरू हो जाए, कुरान का जो पैगाम है वो समझ आना शुरू हो जाए, तो यही हमारी कोशिश है इन क्लासेस के। और अल्लाह ताला से दुआ है कि अल्लाह ताला हमें इस कोशिश में कामयाब करे और अल्लाह ताला हमसे कबूल फरमाए और हमारे गुनाह माफ फरमाए। हमने जैसे पिछली क्लास में आपको कहा था, जी सर, खशिया के माने क्या होते हैं किसके? सर? खशिया अभी जो आयत आपने पढ़ी सूरह हशर की। डर जाना, दब दब जाना, अच्छा डर, हाँ डर से, डर जाना डर से, यानी खशियत यानी किसी चीज का डर डर। का ही माने। हाँ जी, यानी देखें इंसान जो है, आप अगर इसमें गौर अच्छा करें तो इंसान अपने रब से डरता है ना। हम कहते हैं कि अल्लाह से डरो, सही है। अब अल्लाह का डर जो है इससे क्या मुराद है, कभी आपने गौर किया है इसके ऊपर? अल्लाह के डर से क्या मुराद है? अल्लाह ताला से तो इंसान सबसे ज्यादा मोहब्बत करता है, अपने रब से तो सबसे ज्यादा मोहब्बत करता है। डर किस चीज का है? डर इस बात का है कि मेरा रब, मेरा खालिक मुझसे नाराज ना हो जाए, ये है अल्लाह का डर, ठीक है जी। और ईमान जो है वो खौफ और रजा, यानी खौफ और उम्मीद की दरमियान की कैफियत है। अगर खौफ ही खौफ हो, इंसान सिर्फ डरता रहे और उम्मीद ना हो कि अल्लाह उसे माफ कर देगा, तो फिर भी ईमान आइडियल स्टेट में नहीं है। और अगर इंसान सिर्फ, उसके दिल में सिर्फ तमा ही तमा हो और उम्मीद ही उम्मीद और गुनाह करता रहे और बोले जी मेरा रब तो बहुत गफूर है, वो तो बख्श ही देगा, तो ये भी ईमान। ईमान कहाँ है? ईमान खौफ और उम्मीद के दरमियान में है। कहाँ है? खौफ और ईमान, और जो खौफ और उम्मीद की दरमियानी कैफियत है वही ईमान की जगह है। तो पिछली क्लास में जैसे हम लोगों ने अल्हम्दुलिल्लाह जो फेले मुदारे के तगैरात मुकम्मल किए थे, और फिर हमने कहा था कि अल्हम्दुलिल्लाह हमने फेल जो है उसको बाकायदा तौर पे अल्हम्दुलिल्लाह कंप्लीट कर लिया है। अब जब हमारी इंशाल्लाह नई सीनियर क्लासेस शुरू होंगी तो कुछ नए नए छोटे छोटे टॉपिक्स आपके सामने वक्तन फवक्तन आते रहे। अब हम दोबारा इस्म की तरफ आते हैं, और आपको पता है कि इस्म जो है उसकी जो सबसे अहम चीज है वो इस्म के क्या है? इस्म की एराबी हालतें। सबसे अहम चीज क्या है? इस्म की एराबी हालतें। और इस्म की एराबी हालतें कितनी तरह की हैं जनाब, मुझे बता दीजिए। रफा ठीक है नहीं? तो हालते रफा में आता है इस्म, और हालते नसब में आता है इस्म, और हालते जर में आता है इस्म। अच्छा, ये जो रफा नसब और जर हैं, क्या ये जबर जेर और पेश है? नहीं सर, इससे अलामत तो क्या साउंड है और कुछ जेर जबर पेश है। माशाल्लाह, तो एराब की जो पहचान है वो दो तरीके से होती है। एक तरीका है हरकत, हरकत से पहचान करना, दूसरा साउंड। तरीका है साउंड, यानी साउंड, सही है, उसकी आवाज से।
तो हरकत से किस किस का इराब पता चलता है? वाहद जमा वाहिद इसम का इराब हरकत से पता चलता है और जमा मुकसर जमा मुकसर जो है उसका इराब हरकत से पता चलता है। और साउंड से कौन कौन से पता चलते हैं? मुसन्ना जमा सालिम मुसन्ना मुजक्कर मोनस दोनों जमा सालिम सालिम जो है कौन सा वाला मुजक्कर मोनस या दोनों मुजक्कर दोनों आतुन आतिन आतिन वो भी साउंड है ना yes. तो जमा सालिम जो है उसका इराब किससे पता चलेगा? साउंड से पता चलेगा। सही छह साउंड हैं, दो मुसन्ना की हैं, चार जमा की हैं, दो मुजक्कर दो मोनस की। तो इराब को पहचान करने के ये तरीके। अच्छा हरकत से पता चलता है जबर जेर पेश। और इस टॉपिक में आपको याद होगा आपने कुछ एक और अहम चीज भी पढ़ी थी, वो क्या थी? इसम जो है वो मुअर्रब भी होता है यानी उसकी अराब चेंज भी होती है, ठीक है जी। और इसम यानी हमने उसको किस नाम से पढ़ा था? मुसर्रफ। इसम जो है वो मुनसरिफ भी होता है और गैर मुनसरिफ, ठीक है जी। और मबनी भी होता है। तीन कैटेगरीज आपने पढ़ी थी। मुनसरिफ ये होता है जो तीन अराबी हालतों में तीन शक्लें अख्तियार करता है, सही है जी। मुहम्मदुन मुहम्मदन मुहम्मदिन रफा नसब जर, ठीक है जनाब। और गैर मुनसरिफ होता है जो तीन अराबी हालतों में दो शक्लें अख्तियार करता है, इब्राहिम इब्राहिमा इब्राहिम, ठीक हो गया। और मबनी वो होता है कि तीनों हालतों में एक ही शक्ल लगता है, हादा 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 उसकी वाज़े, ठीक है। अच्छा अब अगर ये बात आपके जहन में ताजा हो गई है तो हालत रफा, अब ये तो आपको पता चल चुका है हालत रफा क्या होती है, कैसे पहचानेंगे। अब आइए अब हम रिवाइज करते हैं क्विकली कि हालत रफा में इसम कब कब आता है, ठीक है जी। हालत रफा में इसम कब कब आता है? हाँ जी मुझे बता दीजिए आपने क्या क्या पढ़ा है। हालत रफा में इसम कब आता है? जबकि जुमला इस्मिया में मुब्तदा मुब्तदा हो, ठीक है, मुब्तदा हो या जुमला इस्मिया में खबर हो, दोनों हालत रफा में होते नहीं होते हैं। दोनों मिसाल एक जुमला लेते हैं, अल्लाहु गफूर, अल्लाहु मुब्तदा गफूर उसकी खबर, मारफा नकरा कॉम्बिनेशन, और अल्लाहु भी हालत रफा में है मुब्तदा है और गफूर जो खबर है वो भी हालत रफा में, ठीक है जी। जी सर। अच्छा और बताइए, अच्छा मुझे बताएं इन्ना जो है इन्ना याद है इन्ना किस लिए आता है जुमला इसमें यहाँ पे? जोर के लिए आता है, जोर के लिए आता है। अच्छा और इन्ना के साथ में उसकी फैमिली भी है, याद है इन्ना की फैमिली भी है, इन्ना व अखवातुहा, सही है जी, उसकी फैमिली। तो ये सब जो हैं जो भी हैं इन्ना का अन्ना लअल्ला लैता, ठीक है जी, ये क्या करते हैं याद है आपको? ये इस्म इन्ना को, हाँ जी इस्म इन्ना को, इस्म इन्ना को क्या करते हैं यानी जो मुब्तदा है उसको हालत नसब में ले जाते हैं, नसब में ले जाते हैं। हम तो रफा पढ़ रहे हैं ना, तो इन्ना व अखवातुहा की जो खबर है वो रफा में ही होती है, सही है ना? सही सही। जैसे मैं अगर ये जो ऊपर आपके सामने जुमला लिखा हुआ है इस पे मैं इन्ना अगर दाखिल करूं जोर देने के लिए तो हो जाएगा इन्ना मुब्तदा जो है वो इन्ना का इस्म कहलाएगा और नसब में चला जाएगा और खबर जो है वो रफा में ही रहेगी, सही है जी, खबर रफा में ही है ना जी, ऐसे ही है। तो खबर रफा में ही है तो इसलिए हालत रफा में वाले टॉपिक में आ गई कि इन्ना व अखवातुहा जितने भी हैं उन सब की खबर रफा में ही रहती है, सही हो गया क्लियर जी सर। अच्छा उसके बाद हाँ जी और बताइए, आपको याद होगा जुमला है इस्मिया में आपने नफी जब आप लेके आए थे तो आपने कौन कौन से हरूफ यूज किए थे? मा और
ला ना, ठीक है जी। और लैसा भी यूज किया था आपने, सही, लैसा भी यूज किया था। अच्छा, ये तीनों जब जुमला इस्मिया पे आते हैं, जैसे हम एक जुमला बनाते हैं, ज़ैदुन क़ाइमुन, ज़ैद खड़ा हुआ था। जुमला इस्मिया बिल्कुल मुब्तदा मुब्तदा मारफा खबर नकरा कॉम्बिनेशन, दोनों हालत रफा में जुमला इस्मिया, ज़ैद खड़ा हुआ। अब आप बोलते हैं ज़ैद नहीं खड़ा हुआ, तो आप माँ लगा देंगे, माँ। हाँ जी, क्या चेंज आएगा इसमें? यहाँ पे जो खबर है वो हालत नसब में चली जाएंगी। ठीक है जी, नहीं मुकदम कुछ भी नहीं किया आपने, माँ का असर ही होता है। माला लैसा जो है, माला मुशब्बबा लैसा, और जो लैसा है उसका असर ये होता है कि उसकी खबर हालत नसब में चली जाती है। तो हम यहाँ कहते हैं माला लैसा का इस्म, ठीक है, का इस्म वो हालत रफा में ही होता है। ये देखिए जी, ज़ैदुन हालत रफा में है, सही हो गया, क्लियर है जी। अच्छा, इसी तरह आपको याद होगा, अभी आपने रिसेंटली एक फेले नाकिस पढ़ा था, काना, याद है जी। अच्छा, काना जब आता है तो आपको पता है काना यकूनू की फैमिली से जब कोई फेल आता है तो वो फेले नाकिस है, उसका भी एक इस्म होता है, खबर होती है, याद है ना जी? जी ठीक है। तो काना का इस्म जो है वो भी हालत रफा में है, जैसे जो ऊपर जुमला है अल्लाह गफूर, अगर हम काना लाएं इसमें यूनिवर्सल ट्रुथ वाला माना लाने के लिए, कान अल्लाह गफूरन, काना की जो खबर है वो हालत नसब में चली जाती है, यही पढ़ा था जनाब आपने। तो काना का जो इस्म है वो भी हालत रफा में होता है, ऐसा ही है जी। सबको क्लियर है जनाब ये पॉइंट जी? सर आसिफ भाई मौजूद? अच्छा जी। अच्छा, ये जो काना है ना, काना जैसे इन्ना की फैमिली होती है ना, वैसे काना की भी एक फैमिली होती है, सही जी। उसके बारे में हमने पढ़ा नहीं है, अभी जब हम नसब शुरू करेंगे तो उसको थोड़ा मैं आपको उसके बारे में हिंट दे दूंगा, काने की फैमिली के बारे में इंशाल्लाह मैं आपको। अच्छा जी, तो काना का इस्म वाजे हो गया। अच्छा, उसके बाद अब जुमला फेलिया पे आते हैं। जुमला फेलिया में बताइए कि कौन सा इस्म हालत रफा में आता है, बहुत अहम बात। फेल, फाइल, सॉरी फाइल। ठीक है जी, फाइल जो है वो हालत रफा में आता है, फाइल हालत रफा। ठीक है, जैसे आप एक जुमला बनाते हैं, आप बोलते हैं दौराबा ज़ैदुन हामिदन, ठीक है, तो अब मुझे बताइए जो ज़ैदुन है फाइल है वो किसमें हालत रफा में, रफा में, ठीक है। अच्छा, और बताइए जुमला फेलिया में आपने एक चीज और पढ़ी थी कि जुमला फेलिया में एक और ऐसी चीज है जो रफा में होती है, क्या है वो, याद है ना? जुमला फेलिया में एक इस्म ऐसा और है जो हालत रफा में होता है, वो है नायबुल फाइल, याद है जी? मजहूल में, तो जैसे इसी जुमले जो ऊपर है अगर इसका मजहूल बना दें तो क्या हो जाएगा, दोरीबा फाइल का तो जिक्र नहीं होगा, मफूल फाइल की जगह ले लेगा, मफूल कौन है, हामिद, और जब उसने उसकी जगह ले ली तो उसको स्टेटस दे देंगे और वो हो जाएगा हामिदुन, हामिदुन, सही हो गया, दोरीबा हामिद, ज़ैद को मारा गया। तो नायबुल फाइल जो है वो भी हालत रफा में होता है, क्लियर हो गया जनाब सबको जी? सर तो रफा का ये चार्ट है, चंद ही मिसालें हैं और ये सारी चीजें आपने पढ़ी हुई, हमने कोई बात अभी नहीं डिस्कस नहीं की, कोई नई बात नहीं आई ना अभी हमारे पास? नहीं नहीं सर। ठीक है जी, तो 11 मई 2020 फरहान इसकी एक पिक्चर ले लीजिएगा। जी सर।
हाँ जी, तो हालत रफा के बाद कौन सी है? हालत नसब। लेकिन हालत नसब जो है ना वो आखिर में करेंगे क्योंकि वो तवील है, तो उसका इंशाल्लाह आखिर में करेंगे। अभी हालत जर ले लेते हैं। हालत जर तो मैं आपको पहले ही बता चुका था कि हालत जर में से दो ही अस्मा आते हैं, कौन कौन सा जरा बता दीजिए। मुरक्कब इजाफी में, मुरक्कब जारी में, सही है जी, और मुरक्कब जारी में से, तो मुरक्कब जारी में उसको कहते थे इसमें मजरूर, इसमें मजरूर, ठीक है जी, जिसके ऊपर हरफ जारा आ जाए, जो हरफ हरफ जारा जो 11 पढ़े हमने वो जब भी आ जाए इस ऊपर तो मजरूर हो जाता है। और मुदाफ मुदाफिल है, मुदाफिल है, माशाल्लाह, मुदाफिल है हमेशा हालत जर में होता है, मुदाफिल है हमेशा हालत जर में होता है, ठीक हो गया जनाब। मुदाफिल जो है हमेशा हालत जर में होता है। अब मिसालें बहुत आसान है, हम कहते हैं फिल बैती, घर में, तो अलबैतू था वो जर में चला गया, अलबैती हो गया इस हरफ जारा फी की वजह से। और हम कहते हैं अल्लाह की किताब, किताबुल्लाह, तो मुदाफिल हम देखते हैं कि हमेशा हालत जर में आता है, ठीक है नहीं, मुदाफ मुदाफिल है, वाज़े सही है, हालत जर सबको क्लियर है जी। जी सर, आजकल हमारी क्लास में मुदस्सिर साहब नहीं आ रहे। जी सर हूँ मैं, बिल्कुल सर, आप आजकल खामोश रहते हैं। नहीं सर, एक दो दफा बस, तो ऐसा में दो तीन दफा ऐसा हुआ कि मैं था नहीं। अच्छा सही, अच्छा तो अच्छा, हालत जर वाली बात तो सादी सी होगी, लेकिन आज इंशाल्लाह हम एक एडिशनल नुकता देते हैं आपको। आपको याद है कि गैर मुनसरिफ इस्म जो है, सही जी, जैसे हम कहते हैं इब्राहिम, इब्राहिमा, इब्राहिमा, ठीक है जी, तो ये रफा नसब जर में तीन हालतों में दो ही शक्लें अख्तियार करता है, ऐसा ही है। या इन अदर वर्ड्स अगर मैं ये कहूँ, गौर से मेरी बात सुनिएगा, अगर मैं अदर वर्ड्स ये कहूँ कि जो गैर मुनसरिफ इस्म है वो हालत जर में ज़ेर कबूल नहीं करता, तो क्या ये बात सही है? जी सही, तो हम लिख लेते हैं गैर मुनसरिफ इस्म हालत जर में ज़ेर कबूल नहीं करता, ठीक है जी, और हम यही पढ़ते आए अब तक, सही है, मगर इसकी दो एक्सेप्शंस हैं, यानी वो हालत जर में ज़ेर ले लेगा अगर इन दो में से कोई सिचुएशन हो जाए। नंबर एक, उस पर लामे तारीफ दाखिल हो जाए, अच्छा जी, आपको पता है जो गैर मुनसरिफ अस्मा है उसमें से ज्यादातर इसमें दात हैं, अभी जैसे इब्राहिम है इस पे अल तो दाखिल नहीं हो सकता, ये तो पहले ही मारफा है, करेक्ट, तो हम यहाँ एक ऐसी मिसाल लेते हैं जो ऐसा गैर मुनसरिफ इस्म हो जो नकरा हो, मारफा ना हो, ठीक है जी, तो उसके लिए मैं आपको मिसाल देता हूँ, हमने पहले भी शायद डिस्कस की है, मसाजिदो या मसाजिद हो, सही है? अच्छा ये जो मसाजिद है ये क्या है? गैर मुनसरिफ इस्म है मसाजिद, अच्छा मस्जिदुन जो है, मस्जिदुन ये मुनसरिफ है, ठीक है जी, मस्जिदुन मुनसरिफ है, देखें जी उस पर तनवीन आ रही है, इसकी तीन हालतें क्या होंगी, मस्जिदुन मस्जिदन मस्जिदिन, कोई मसला नहीं है, जब इसकी जमा बनती है ना तो वो जिस वजन पे बनती है वो गैर मुनसरिफ है, मसाजिदु, तो इसकी रफा नसब जर बोल दीजिए क्या क्या होंगी जल्दी से, मसाजिदु, मसाजिदा, मसाजिदी, भाई मसाजिदी कैसे, मसाजिद मसाजिद, गैर मुनसरिफ है तो ज़ेर कैसे लेगा, मसाजिद, सही है मसाजिद, अच्छा जी, अब हम क्या बोल रहे हैं कि वो ज़ेर नहीं लेता मगर अगर उस पर लामे तारीफ दाखिल हो जाए, अगर उस पर लामे तारीफ दाखिल हो जाए, तो आइए इस पर लामे तारीफ को दाखिल कर देते हैं, हम कहते हैं अल मसाजिद, ये तो हो गई इसकी हालत रफा, अल मसाजिद, कोई मसला नहीं,
अब हम कहते हैं फिल मसाजिदी, मस्जिदों में। हाँ जी, तो अब क्या होगा, अब ये हालत जर में जाएगा ना फी की वजह से, लेकिन ये जेर ले लेगा, जेर कबूल कर लेगा, क्योंकि ये इस पे लामे तारीफ दाखिल हो गया है। वाजे जनाब सबको क्लियर हो गया जी? ठीक सही। दूसरी एक्सेप्शन क्या है? सर इसमें हरफे जारा की वजह से भी तो ज़ेर आ सकती है, जैसे की लगाए शुरू के अंदर। हाँ देखें, मैं आपको बताता हूँ, अगर आप इसको नखरा रखें ना हर, मैं आपको ये बता दूँ ना, जो ये है मैं आपको बता दूँ, गैर मुंसरिफ इस्म जो है आपने पढ़ा ये था, ये गैर मुंसरिफ इस्म है, ठीक है। अब इसको नखरा ही रखें, इस पर लगाए फी, बोले जी क्या होगा? बताइए क्या होगा? फी मसाजिदा, क्योंकि गैर मुंसरिफ इस्म है और ये हम हमेशा डिस्कस करते हैं, वो जर में ज़ेर नहीं लेता, ठीक है। लेकिन उसकी एक्सेप्शन ये है कि अगर अल लग जाए इस गैर मुंसरिफ इस्म पे तो फिर ज़ेर। ठीक हो गया जी? क्लियर। और किसी साथी को कोई इस पे कंफ्यूजन है तो पूछ लीजिए। सही, दूसरा एक्सेप्शन है वो आसान है बहुत, एक्सेप्शन कोई डिफिकल्ट बातें नहीं है, बहुत आसान है, बस ये बातें ऐसी हैं जो उसी वक्त करना ज्यादा मुनासिब नहीं होता, वरना कंफ्यूजन हो जाएगा। अब अल्हम्दुलिल्लाह आप इस टॉपिक को अच्छी तरह समझ चुके हैं, तो अब इसको आसानी से इंशाल्लाह आप समझ लेंगे। मुदाफ हो जाए अगर तो भी ज़ेर ले लेता है, जैसे हम कहते हैं मसाजिदु, मसाजिदुल्लाही, अल्लाह की मस्जिदें, ठीक है जी, मसाजिद होता है। अच्छा अब बताएं अगर इस पे हरफे जारा आ जाए फी मसाजिदिल्लाही, फिर अब जे, हाँ जी मसाजिदिल्लाही, अब यह हालत जर में ज़ेर ले लेगा क्योंकि ये मुदाफ बन के आया है। तो ये दो सूरतें जब गैर मुंसरिफ इस्म जर में ज़ेर ले लेता है, ये कि उस पर लामे तारीफ दाखिल हो जाए, दूसरा वो मुदाफ। ठीक हो गया जनाब, इसकी एक पिक्चर ले लीजिए। सर आपने कहा कि मदाफ अगर बन के आ जाए तो अगर फी ना लगाए। हाँ तो फिर क्यों जर लेगा जब कोई मकसद ही नहीं। देखिए मकसद तो सिर्फ ये दो ही हैं जर में होने के, बस इसके अलावा इसम जर में जा ही नहीं सकता। ठीक है, ठीक है सर, ठीक है। वो तो हमने नुकता पढ़ा, जर में तो है ये, जैसे हमने यहाँ लिखा था ना ये फी मसाजिदा, ये जर में है क्या नहीं है बताए? जी जी वो जर में बिल्कुल ठीक है सर, नहीं ठीक है, लेकिन हमसे भी डिस्कस कर रहे थे ज़ेर कब आएगी। ठीक हो गया, चलें इसकी पिक्चर ले लीजिए। ठीक है सर, ठीक। अच्छा सर दूसरा जो हालत है रफा में जो आपने चीजें लिखवाई है उसमें हमने ये मुदाफ का क्यों नहीं लिखा कि मुदाफ भी तो हालत रफा में होता है, जरूरी है क्या मतलब? अच्छा यानी कुछ चीजें कुछ केसेस ऐसे हैं कि उसमें जरूरी नहीं है, इसलिए ठीक है सर यहाँ पे देखेंगे। मतलब देखें फिक्स जो है ना वो लिखेंगे आप, ठीक है, जो मुब्तदा खबर है वो रफा में ही होती है, अगर उसको नसब जर में कर दिया फिर मुब्तदा खबर नहीं रहेगी, मुदाफ तो उस पर रफा भी आ सकता है जर भी आ सकता है, करेक्ट। इन्ना का जो इसम है वो नसब में ही होगा, इन्ना की खबर जो है वो रफा में ही होगी, वाज़े? सही सर, कंप्लीट। चलें अब हम बिस्मिल्लाह करके हालत नसब को शुरू करते हैं। शुरू में हालत नसब की जो बातें हैं वो आपको पता हैं और वो तकरीबन रफा के ऑपोजिट है, ठीक है। सबसे पहले हम लिखते हैं हालत नसब में क्या आता है, हालत नसब में आता है इन्ना व अखावातुहा। हाँ जी इसका क्या आएगा का इस, ठीक है जी, इन्नल्लाह गफूरुन। मुझे पता चला जब इन्ना आ जाएगा तो मुब्तदा जो है वो इन्ना का इस्म कहलाएगा और वो हालत नसब में चला जाएगा, वाज़े? ठीक हो गया जी। इसी तरह जैसा आपने लिखा था, आपने कहा था काना, सही जी, अभी आपने लिखा था ना काना जो है
उसका इसम जो है वो रफा में होता है। अब काना की खबर जो है वो किस में जाती है? नसब में जाती है। तो अब मैं यहाँ पे आपके सामने लिख रहा हूँ काना व अखवातुहा। खबर, ठीक है। तो काना की इस एग्जाम्पल तो हम वही लेते हैं, काहु रन, ठीक है जी। तो काना की जो खबर है वो नसब में होगी, वाजे। अब ये काना अखवातुहा क्या है, इसकी बहनें क्या है? इसकी कई बहनें हैं, ठीक है। और हम मैं सिर्फ चंद की मिसालें आपको दे देता हूँ, सही, क्योंकि उनकी चंद की मिसालें आपको इनमें से कुरान में मिलेंगी। काना का मतलब होता है, हमने पढ़ा था वो था, और हमने यूनिवर्सल के ट्रुथ पे भी इसको पढ़ा, ठीक है। काना की एक और बहन है असबहा, असबहा की गर्दान भी वैसी चलेगी जैसे काना की चलती है, काना काना कानू असबहा असबहा असबहू असबहा, ठीक है। तो आपने कुरान में देखा होगा ये अक्सर ये जो लफ्ज है ये आपको नजर आता है, असबहू की दाई जाती है, सही है। असबहू वो हो गया, क्या तर्जुमा इसका करेंगे? वो हो गया, हो गया। या फिर इसका तर्जुमा ये भी होता है, असबहा जो है ना सुबह से, तो वो सुबह के वक्त हो गया, ठीक हो गया जी। वो सुबह के वक्त हो गया या वो हो गया, सिर्फ ये भी कर सकते हैं, ठीक है जी। वो हो गया, गर्दान वैसी होगी जैसे काना किया किसी फेल की होगी, असबह असबहा असबहू असबहत असबहता असबहना, ठीक है। और इसी तरह असबहत असबहतुम असबहतु, क्लियर हो गया जी। अच्छा जी, मिसाल लेते हैं हम सूरतुल मुल्क से, इन असबहा मा उकुम गौ रन, ठीक है जी। सूरतुल मुल्क की आखिरी आयत जो है उसमें है ना, इन असबहा माउकुम गौरन फमियातिकुम बिमाइन, तो इन असबहा। अब क्या इन तो आपने पिछली क्लास में पढ़ा है? पढ़ा ही नहीं पढ़ा, शर्त का है इसलिए पिछली क्लास में। असबहा ये काना की बहन है, यानी काना वाना अमल करेगी। अब जब भी असबहा आएगा तो काना की तरह उसका एक इसम होगा, एक उसका उसकी एक खबर होगी। काना का इसम रफा में होता है, रफा में क्या है जी? माउकुम तुम्हारा पानी, ठीक है तुम्हारा पानी। और नसब में क्या है? हाँ जी गौरन, गौरन गौरन नसब में, तो गौरन जो है वो असबहा की खबर है, ठीक हो गया जी। तो असबहा की खबर भी नसब में मिलेगी, और अगर तुम्हारा पानी नीचे हो जाए, नीचे उतर जाए, ठीक है, हो गया पानी नीचे हो गया, और इन आया है तो अगर हो जाए, वाज़े हो गया जी। मिसाल समझ में आ गई असबहा की। इसी तरह एक है काना की बहन असबहा हो गई, ठीक है जी, और एक है अदहा। जैसे असबहा सुबह के वक्त हो गया, अदहा जो है वो क्या है, चाश्त के वक्त हो गया, दोहा के वक्त हो गया, ठीक है। इसी तरह अमसा रात के वक्त हो गया, शाम के वक्त हो गया, ठीक हो गया। इसी तरह काना की ही एक बहन है लईसा। अब देखें जी, गौर कीजिए जरा, लईसा, ये लईसा आपने कहां पढ़ा था? अभी भी हमने रिवाइज किया अभी इसको थोड़ी देर पहले, नफी के लिए। हाँ जी, ये नफी के लिए इस्तेमाल होता है, जुमला इस्मिया में नफी के लिए आता है। उस वक्त हमने आपको ये बोल दिया था जी, लैसा एक फेल है असल, इसकी भी गर्दान होती है, लैसा लैसा लैसू लैसत, ठीक है जी, इसकी भी गर्दान होती है। और ये भी जब जुमला फेल, जब जुमला इसका जब लैसा आता है, जुमला इस्मिया पे आएगा ना नफी के लिए,
जो उसका एक इसम होता है इसकी खबर होती है, और अभी अभी आपने पढ़ा था लईसा जो है उसका इसम रफा में रहता है और उसकी खबर नसब में चली जाती है। तो लईसा भी असल में काना व अखवातुहा की बहनों में से ही एक है। वाज़े हो गया जनाब सबको? अभी इसकी मिसाल आपने माँ के साथ की थी, लईसा के साथ भी एक मिसाल लिख लीजिए। हम कहते हैं ज़ैदुन जालिसुन, जैद बैठा हुआ है, ठीक है। अब हम लईसा को यूज करते हैं नहीं, नहीं के माना देता है, ठीक है जी। लईसा नहीं के माना देता है, लईसा ज़ैदुन जालिसन, जैद बैठा नहीं है, ठीक हो गया जी। तो काना व अखवातुहा की खबर जो है वो हालत नसब में रहेगी। इसकी जितने भी काना की अखवातुहा की बहने हैं वो आपके पास बुक जो मौजूद है उसमें पेज नंबर 207 पर मौजूद है, पेज नंबर 207, तो उससे आप देख सकते हैं माना भी है, जुमले की मिसालें भी हैं, पेज 207। ठीक हो गया जनाब, किसी साथी का कोई सवाल यहाँ तक? सर ये जी ये आयत है इन असबहा माउकुम गौरन, जी जी ये सूरतुल मुल्क की आखिरी आयत है। कुल अराईतुम इन असबहा माउकुम गौरन फमन यातीकुम बिमाइन मईन, सूरतुल मुल्क की आखिरी आयत है, 29वें सिपारे की पहली सूरत। ठीक सर, थैंक यू। ठीक है जी, ठीक है जी। अच्छा उसके बाद में कंप्लीट कर लेते बात को, जो आप कह रहे थे माँ और ला जो है जो अभी आपने पढ़ा था उसका जो उसकी जो खबर है वो भी नसब में होती है। जैसे लईसा की जगह माँ यूज कर लें तो भी अमल सेम होता है, माँ ज़ैदुन जालिसन, ज़ैद बैठा नहीं है, ठीक है जी। माँ ला की खबर जो है वो भी नसब में ही होती है, ठीक हो गया जी। अच्छा इसकी पिक्चर लीजिए, स्लाइड नंबर 3 या 4 है फरहान सर? 3 है सर, 3 है, 3 है, 3 ठीक है सर, 3 स्लाइड 3, ठीक है जी। तो तीन चीजें हमने यहाँ पे कर ली जो हालत नसल में होती है। चौथी चीज है, आपको याद है आपने लाइन अपनी जिन्स पढ़ा था, जी सर। तो लाए नफी जिन्स जो है, ठीक है जी, जैसे ला रईबा, अब रईबुन इसम है, ठीक है जी। जब लाए नफी जिन्स उस पर आ जाएगा तो जो इसम होगा लाए नफी जिन्स का वो नसब में भी होगा, उस पर तनवीन भी नहीं आएगी, उस पर अल भी नहीं आएगी, ठीक है। ला रईबा ही ही, ला रईबा फिल कुरान, और ये किस लिए आता है? ये आता है कि उस इसम की उसकी खबर में से कंप्लीट नफी करने के लिए, उस जिन्स की नफी करने के लिए। कुरान में किसी किस्म का शक नहीं है, ला रही बिल कुरान। तो लाए नफी जिन्स का जो इसम है वो हालत नसब में होता है। ठीक हो गया। अच्छा इसके अलावा आपको और याद होगा हमने पढ़ा था अब्दुल्लाह, एक मरकब इजाफी है, अगर इसको निदा दी जाए अब्दुल्लाह को तो हम क्या करते हैं या लगा देते हैं। तो या जब लगता है एक मरकब इजाफी पर तो क्या होता है? या अब्दुल्लाह अब्दुल्लाह हो जाता है, ठीक है जी। मुदाफ जो है उस पर नसब आ जाती है, तो हम उसको ये कह सकते हैं मुनादा मुदाफ, जो मुनादा मुदाफ होता है वो नसब में होता है, ठीक है। पहले मुनादा मुनाफ मुदाफ लिखता शायद बात समझ में नहीं आती, लेकिन मिसाल से अब इंशाल्लाह आपको बात समझ में आ जाएगी। मुनादा मुदाफ जो है वो नसब में होता है। आगे चलते हैं, हाँ जी। फेल में जुमला फेलिया में बताइए। मफूल, मफूल सही है जी, ये अहम तरीन चीज़ है जो अब्दुल बासित ने बताई हमें, मफूल, ठीक है जी।
अच्छा मफ़ऊल जो है वो बहुत आसान है नहीं अभी मफ़ऊल। अभी जो मफ़ऊल है ना इसकी आपने मिसाल मुझे दीजिए कोई, अभी आपने पीछे जुमला बनाया था दौराबा ज़ैदुन हामिदन हामिदन, ठीक है जी। तो मफ़ऊल किस में है? हालत नसब में। अब तक तो आपने यही पढ़ा सही है, लेकिन आज आपको पता ये चलेगा कि मफ़ऊल की भी पांच किस्में हैं। कितनी किस्में हैं? पांच किस्में, और वो कहलाती हैं मफ़ाइल खमसा। खमसा खमसा मफ़ाइल खमसा यानी पांच मफ़ऊल की किस्में, ठीक हो गया जी। तो आज तक अब आप पूछें जी ये जो आप आज तक हमें मफ़ऊल पढ़ाते आए थे ये कौन सा था अगर मफ़ऊल की पांच किस्में हैं? हाँ जी पता है किसी को कौन सा था ये? मफ़ऊल जिसके ऊपर काम होता है। हाँ जिसके ऊपर काम होता है माशाल्लाह, बिल्कुल सही जवाब है। अब तक आपने जो मफ़ऊल पढ़ा है वो है वो इस्म जिस पर फेल का असर होता है, जिस पर काम का असर होता है वो मफ़ऊल पड़ा है। तो उस मफ़ऊल का नाम क्या है जी? आज आप सुन लीजिए, उसको कहते हैं मफ़ऊल बिही। क्या कहते हैं उसको? मफ़ऊल मफ़ऊल बिही, मफ़ऊल बिही यानी जिस पर काम का असर हो, बिही उस पर, ठीक है जी, यानी जिस पर काम का असर हो ये मफ़ऊल भी कहलाता है। तो आज से अब आप इसको मफ़ऊल नहीं बोलेंगे, आप इसको क्या कहेंगे? मफ़ऊल बिही, मफ़ऊल बिही। ये बात समझ में आ गई थी मफ़ऊल बिही के बारे में जी सर? ठीक है, तो अब आप पूछिए जी बाकी चार किस्में कौन सी हैं मफ़ऊल। तो आइए उन किस्मों को अब हम इंशाल्लाह पढ़ना शुरू करते हैं। इसकी भी एक पिक्चर ले लीजिए फरहान, ताकि हम फिर मफ़ऊल जो उसको दोबारा फ्रेश स्लाइड से शुरू करें। जी सर। हालत नसब में आप पढ़ रहे हैं मफ़ाइल खमसा यानी मफ़ऊल की पांच किस्में। मफ़ऊल की पांच किस्में, और उसमें पहले क्या थी? मफ़ऊल बिही, मफ़ऊल बिही, मफ़ऊल बिही वो मफ़ऊल है, ठीक है, अगर उसको आप डिफाइन करना चाहें, वो इस्म इसको आप ऐसे भी देख सकते हैं, वो हालत नसब में इस्म, क्योंकि मफ़ऊल तो नसब में ही होता है, जिस पर काम का असर हो, ठीक है। خلق الله اللہ نے پیدا کیا الانسان اللہ نے انسان کو پیدا کیا تو انسان جو ہے وہ مفعول بھی ہے ٹھیک ہو گیا جناب یہ مفعول ہے جو اب تک آپ पढ़ते आए। अब आप उसकी मजीद मिसालें देखनी है तो आप खुद बहुत सारी मिसालें इसकी बना सकते हैं, और फिर भी आप अगर बुक में देखना चाहते हैं तो पेज 208 की तरफ चले जाइए, वहाँ आपको कई मिसालें इसकी मिल जाएंगी। फिर इस टॉपिक में आपने मजीद टॉपिक पढ़े हैं मफ़ऊल में, कि मफ़ऊल जो है वो कोई ऐसा भी एक फेल होता है जिसको एक से ज़ायद मफ़ऊल चाहिए होते हैं, ठीक है जी, जैसे हसीबा के बारे में आपने पढ़ा था उसको दो मफ़ऊल चाहिए होते हैं, ठीक हो गया जी। अच्छा, और इसके अलावा ये तो एक मफ़ऊल भी हो गया,
आपको पता है कभी कभी ऐसा होता है कि अब मैं आपको एडिशनल नुक्ता बता रहा हूँ, सही है, एडिशनल नुक्ता है कि कभी कभी ऐसा होता है कि सिर्फ मफूल को बयान कर दिया जाता है और फेल और फाइल जो है उसको महजूफ कर दिया जाता है। जैसे मैं आपको एक मिसाल देता हूं, अन्नारा अन्नारा, अगर कोई ये कहे अन्नारा अन्नारा, ठीक है, तो वैसे इसका लफ्जी तर्जुमा क्या होगा, आग आग, ठीक है, लेकिन असल में ये तहजीर है, तहजीर है, तंबीह है, अरबी में असलूब है, तंबीह है कि आग से बचो, आग से बचो, सही है जी, आग से बचो, आग से बचो। तो अब इसमें बचना फेल है वो भी जिक्र नहीं हुआ और तुम बचो फाइल का भी जिक्र नहीं हुआ, सिर्फ मफूल अन्नारु अन्नारा अन्नारा, ठीक है जी, अन्नारा अन्नारा नसब में सिर्फ मफूल का जिक्र कर दिया गया, ये भी अरबी का एक अस्लूब है। तंबीह के लिए भी आता है, इगरा के लिए भी आता है, यानी अच्छी तरफ अगर माइल करना अच्छे काम की तरह से, अलहया अलहया, ठीक है जी, जैसे यानी हया अख्तियार करो। इसी तरह आपने कभी नोट किया है, आप दुकान पे जाते हैं, आप कहते हैं कम सामान ले लिया, आप पूछ रहे हैं कम कितने हो गए, तो क्या बोलता है, बोलता है रियालेन। ये रियालेन क्या चीज है, कभी नोट किया आपने, दो रियाल तो ठीक मुसन्ना नहीं, दो रियाल ना मुसन्ना भी है, ठीक है, दो रियाल की चीज है लिए तो भाई मुसन्ना ही लेगा ना वो ये नसब है, ये हालत है नसब में क्यों कहता है। हाँ माशाल्लाह अब्दुल वासी जबरदस्त, आप बताइए नहीं है तो साउंड, साउंड हाँ वो तो ठीक है, साउंड पहचान लिया आपने, वो नसब में क्यों कह रहा है आपको रियाल है भाई, रियालून बोले ना वो दो रियाल, नसब में क्यों कह रहे, ये मफूल है, चलिए ये मफूल है, बस का फेल और फाइल महजूफ है, बोलता है मुझे दो दो रियालिया हो गए तुम्हारे दो रियाल, समझ रहे, तो ये मफूल है जो सिर्फ मफूल ही बोला जाता है रियाल, ठीक हो गया जी, वाजे जी। चलिए ये तो एडिशनल नुक्ता हो गया, अब आते हैं मफूल बही की तरफ। तो अब आप जब भी रियालेन सुनेंगे ना तो आपके जहन में मफूल आना चाहिए, अच्छा मफूल बही हो गया, अब है दूसरा, वो कहलाता है मफूल लहू, क्या कहलाता है मफूल लहू, मफूल मफूल, या अगर इसको पूरा वर्ड ही लिखना चाहता मफूल बही और मफूल लहू, ये क्या करता है, ये वो नस्बी इस्म है जो फेल के होने का सबब बयान करता है, क्या करता है, ये फेल के होने का सबब बयान करता है, ठीक है, जैसे एक फेले अमर हम लिख, हाँ जी सबब सबब उसकी वजह, जैसे मैं आपको एक जुमला से मिसाल देता हूं तो इंशाल्लाह आपके बात समझ में आ जाएगी, एक फेले अमर देते हैं ओ बुदू तुम सब इबादत करो, अभी कैसे बनाए आपके दिमाग में फौरन चाहिए, अबदा या अबुदू ताबुदू, ता गिर गई अखफ हो गया और पीछे एक हमजतुल वसल लग गया और उस पर पेश लग गई क्योंकि आहीन कलमे पे पेश है, ठीक है जी, ओ बुदू तुम सब इबादत करो अल्लाह की, ओ बुदुल्लाह, तो मुझे बताइए इसमें जलाला अल्लाह, इसमें जो हालत नसब में कौन सा मफूल है, मफूल भी
भी आपने पढ़ा ना, मफूल भी ही है ना, ठीक है। तुम सब अल्लाह की इबादत करो, तुम सब अल्लाह की इबादत करो, जैसे आपने अब तक पढ़ा था मफूल भी। अच्छा, अब हम आगे कहते हैं तुम सब अल्लाह की इबादत करो, शुक्रन शुक्र अदा करने के लिए। तो अब जरा शुक्रन पे गौर करें, ये हालत नसब में आया है, तो क्या ये मफूल है? और अगर मफूल है तो कौन सा मफूल है? मफूल भी ही तो नहीं हो सकता, ठीक है जी, क्योंकि इस फेल इबादत का असर ना शुक्र पे है ना इसके लिए की जा रही, बल्कि ये इस फेल इबादत की वजह बयान कर रहा है कि तुम सब अल्लाह की इबादत करो उसका शुक्र अदा करने के लिए। वाज़े? सही। समझ आया जनाब? तो वो मफूल जो किसी फेल की वजह बयान करेगा, उसका सबब बयान करेगा, तो वो मफूल लहू कहलाएगा। और इसका एक और नाम भी है, इसको कहते हैं मफूल ली अजली ही। क्या कहते हैं? मफूल ली अजली। तो इसका एक और नाम भी है मफूल लहू का, ठीक है जी। कैसे लिखते हैं उसको? ऐसे लिखते मफूल, इसको कहते हैं ली अजली। ठीक है जी। ये जी जी पूछिए। ये मफूल भी ही, और मतलब यहाँ पे थोड़ा कंफ्यूजन है मुझे, मफूल भी ही, हाउ डू वी आइडेंटिफाई ये लहू, मफूल लहू है या भी ही है, कोई ऐसा आसान तरीका? बिल्कुल आसान तरीका है। देखिए आप ये देखिए, जो मफूल भी ही है ना, वो है जिसपे काम का असर अल्लाह ताला ने पैदा फरमाया। किसको पैदा फरमाया? इंसान को। इंसान को तो अल्लाह ताला ने जो पैदा फरमाया वो इंसान को पैदा फरमाया, ये फेल का असर इंसान पे हुआ। फिर उबुदुल्लाह, तुम सब इबादत करो किसकी? अल्लाह की। अल्लाह की, ठीक है जी। तो अल्लाह मफूल बे ही, अल्लाह की इबादत की जा रही। अब शुक्रन, अब शुक्रन जो है वो इस उबुदु फेल का असर शुक्रन पे तो नहीं है ना? बिल्कुल सही है। तो शुक्रन क्या है? तो शुक्रन असल में इस फेल की वजह बयान कर रहा है कि तुम अल्लाह की इबादत करो उसका शुक्र अदा करने के लिए, ठीक है। अच्छा अच्छा। इसी तरह एक और जुमला लिखते हैं, दरबतु, दरबतु मैंने मारा, दरबतु हु, दरबतु जैदन, या दरबतु हु मैंने उसे मारा। अब हु जो है जैद की जगह जो मैं या जमीन लेके आया हूँ वो तो मफूल भी ही हो गया कि मैंने उसको मारा, दरबतु जैदन, ठीक हो गया जी। क्यों मारा मैंने? मैंने मारा तादीबन, सही जी, उसको अदब सिखाने के लिए, मैंने उसको अदब सिखाने के लिए मारा। मेरा बेटा है जैद, मैंने उसको मारा इसलिए ताकि वो अदब सीखे। जी समझ में आया, क्लियर है, ठीक हो गया। मफूल लहू और या मफूल ली अजल ही, वाजे हो गया सबको, ठीक है। तो इसकी एक पिक्चर ले लीजिए, ये स्लाइड नंबर 5 है फरहान जी। सर हो गई, ठीक है जी। अब आइए तीसरा, तीसरा जो किस्म का मफूल है वो कहलाता है मफूल फी ही। क्या कहलाता है? मफूल फी ही। मफूल फी ही जो है ना, उसका एक और नाम भी है जिससे वो ज्यादा पहचाना जाता है, और वो है जर्फ। और इसके बारे में आपको वक्तन फवक्तन बताता भी रहा हूं जर्फ के बारे में, ठीक है जी। मफूल फी या जर्फ वो इसमें मंसूब है या वो मफूल है जो काम का वक्त, वक्त टाइम,
या जगह, यानी वो काम कहां पर हुआ, जगह बयान करे। वाज़े हो गया जी? तो मफूल फीही या ज़र्फ जो है वो क्या है, वो इसमें मंसूब है जो काम का वक्त या जगह बयान। अगर वो वक्त बयान कराएगा तो फिर कहलाया जाएगा ज़र्फ़े ज़मान, यानी ज़माना बता रहे हो, ठीक हो गया। और अगर जगह बताएगा तो वो क्या कहलाया जाएगा, ज़र्फ़े मकान, सही जी, मकान, यानी फेल के होने की जगह ज़र्फ़े मकान और फेल के होने का वक्त ज़र्फ़े ज़मान, ठीक है जी। अब ये बहुत आसान है, जैसे मैं आपके सामने दो जुमले लिखता हूं, आप मुझे बता दीजिएगा। मैं कहता हूं ज़हबतु, मैं गया इला मक्का, था मक्का की तरफ, यौमल जुमुआती, जुम्मे के दिन मैं गया मक्का की तरफ, यौमल जुमुआती। मुझे बताएंगे यौमा नसब में क्यों है? हाँ जी सर, मफूल कौन सा मफूल तो है सर, फी वक्त ज़र्फ़े ज़र्फ़े ज़मान। कामना आप देखिए, आपको थोड़ा सा मरकब इजाफी में थोड़ा सा कंफ्यूजन, देखें अल जुमुआतु, ठीक है जी, यौमुन और अल जुमुआतु, ये दो ऐसे में जिनका मरकब बनाना है, ठीक हो गया जी। तो मुदाफ जो है उसके एराब हल्की कर देते हैं, एराब हल्की कर दी, तो हो गया यौमुल जुमुआतु, ठीक है। तो मरकब इजाफी तो बन गया यौमुल जुमुआती, जुम्मे का दिन, ठीक। ये नसब में क्यों है यहाँ पर, ये सवाल है। ज़र्फ़े ज़मान, ये ज़र्फ़े ज़मान है जो वक्त बता रहा है काम का, कि मैं किस वक्त गया, मैं किस वक्त गया, जुम्मे के दिन गया, ठीक है जी। दहब तो इला मक्का था सबाहन, सुबह में गया, ठीक है जी। जहब तो इला मक्का था ऐशाअन, मैं कब गया, रात के वक्त गया, शाम में क्या खाने की टाइम गया। हाँ जी, ऐशा तो खाने को भी कहते हैं, अब वो आशा है, वो इनके जबर, आशा आशा, ठीक है जी, वो आशा इनके जबर के साथ है, ठीक हो गया जनाब जी सर। अगर आप सोते हो यूसुफ पढ़े ना, उसमें आपको मिलेगा, जब यूसुफ अलैहिस्सलाम के भाई आए उनके वालिद के पास यूसुफ अलैहिस्सलाम को कुएं में डालकर, तो क्या था, वो आए रोते हुए अपने वालिद के पास ईशा अन रात के, तो वो क्या है, ज़र्फ़े ज़मान है, ज़र्फ़े ज़मान, ठीक हो गया। अच्छा अब ज़र्फ़े मकान, जलस्तु मैं बैठा, कहाँ बैठा जी, मैं बैठा तहता, दरख के नीचे। तो ये तहतु शजरा जो मुरक्कब इज़ाफ़ी है, नसब में क्यों है, ज़र्फ़े मकान, ये ज़र्फ़े मकान है, ठीक है जी। मफ़ूल लहू है या ज़र्फ़े मकान है जो बता रहा है काम की जगह, काम होने की जगह, ठीक हो गया जी। ये ज़र्फ़े ज़मान है। अच्छा आप नोट कर लें, ज़र्फ़े ज़मान अमूमन अमूमन मुरक्कब इज़ाफ़ी में आता है, ठीक है जी, मुदाफ हो के आता है, लेकिन मुदाफ के बगैर भी आता है, जरूरी नहीं है मुदाफ ही है। ज़र्फ़े ज़र्फ़े मकान हमेशा मुदाफ बनकर ही आता है।
ठीक है, और यहाँ पे अमूमन नहीं, यहाँ पे लिखते हैं कभी, क्योंकि जरूरी नहीं है कि वो मुदाफ़ होकर ही, मुदाफ़ होकर भी आता है ठीक है, लेकिन जो ज़र्फ़ मकान है वो हमेशा मुदाफ़ होकर ही आता है। ठीक है जी। अच्छा, अब जो है एक मिसाल और लेते हैं। सिक्स स्लाइड सिक्स। अच्छा, तुम सब जिक्र करो, फेले अमल बना। उज़्कुरु अल्लाह, अल्लाह जो इसमें जलाला है वो हालत नसब में मफूल भी ही है, तुम सब अल्लाह का जिक्र करो, मफूल भी ही अल्लाह। उज़्कुरु अल्लाह बुकरतन व असीलन, सुबह और शाम, सुबह और शाम। तो मुझे बताइए बुकरतन और असीलन जो है वो हालत नसब में क्या, ज़र्फ़ ज़मान है, ये ज़र्फ़ ज़मान है, ये दोनों मफ़ूल लहू, ये मफ़ूल की ही है, ये दोनों ज़र्फ़ ज़मान है, सुबह और शाम। ठीक है जी, सुबह और शाम का वक्त जो है हमें इससे पता चल रहा है। वाज़े हो गए जनाब। असीला जी, जो बुकरे के माने क्या कल के होते हैं ना, कल के माना में भी हम उसको अरबी में इस्तेमाल कर लेते हैं आम जबान में, असल माना है बुकरा के सुबह। ठीक है जी, जो असल माना है बुकरा के वो बल्कि सिर्फ सुबह भी नहीं, सुबह सवेरे के माना है बुकरा का, इसीलिए हम उसको बोलते हैं कि जैसे आप कोई काम कहते हैं ना, तो आप बोलते हैं मैं कल करूँगा, तो यानी आज का दिन तो खत्म हो गया, अब कल सुबह करते हैं, तो इससे बुकरा कहते हैं। वाजे हो जाता एक जुमले में ज़र्फ़ ज़मान, ज़र्फ़ मकान का इस्तेमाल हो तो तब भी सेम फार्मूला ही लगेगा, जुमला कॉम्प्लेक्स हो जाएगा थोड़ा, लेकिन फॉर्मूला तो सेम ही लगेगा, मफ़ूल हमेशा नसब में ही रहेगा। ठीक है, आगे पीछे आना तो मुश्किल है, लेकिन कर सकते हैं फिर, कोई मसला नहीं। इसी तरह सूरत सजदा की जो आयत है, तताजाफा जुनूबुहुम अनिल मदाजी यदउना रब्बहुम खौफन व तमअ, यदउना रब्बहुम, वो पुकारते हैं अपने रब को, तो रब्बहुम मफूल भी हो गया, खौफन व तमअ, क्यों पुकारते हैं, डर, डर और खौफ से, डर और खौफ की वजह से पुकारते हैं, तो कौन सा मफूल हो गया, वजह बता रहे हैं, जबान नहीं, जबान जो वजह बता रहा है फेल की, कि वो किस वजह से पुकारते हैं अपने रब को, डर से, खौफ से और तमा से, तमा क्या है, उम्मीद से, जैसे हमने क्लास के शुरू में बात की, जो ईमान है वो इन दोनों के दरमियान है, खौफ और उम्मीद। ठीक है जनाब, तो अब जो है हमारी तीन किस्में हुई हैं मफूल की, दो बाकी हैं, मफूल लहू और मफूल फी ही और मफूल बिही। देखिए जी, ये सारे मुरकब जारी के साथ चल रहे हैं, मफूल बिही पढ़ा आपने, बाहर पे जा रहा, फिर पढ़ा मफूल लहू, लाहर पे जा रहा, फिर आपने पढ़ा मफूल फी ही, ये फी भी हर पे जा रहा, और जर्फ इसका आसान नाम है, तो इसको जर्फ से ज्यादा याद रखें तो अच्छा है। तो अब बी भी हो गया, फी भी हो गया, और लाम भी हो गया, तो अब कौन सा रह गया, अब है मफूल माहू जो चौथा है, और वो बहुत कम इस्तेमाल होता है, बहुत कम, तो हम उसको इंशाल्लाह अगली क्लास में करेंगे। और जो पांचवा है वो बहुत इस्तेमाल होता है, उसका नाम है मफूल मुतलक, वो हम इंशाल्लाह करेंगे। तो मफूल की पांच किस्में हो जाएंगी, लेकिन नसब अभी खत्म नहीं होगा, इसम और भी वजूहात की वजह से नसब में आता है, बहुत इंटरेस्टिंग टॉपिक है हालत नसब वाला। तो हम इंशाल्लाह जुम्मे को अपनी आखिरी क्लास करेंगे इस बेसिक कोर्स की,
آپ سب سے درخواست ہے کہ ضرور آئیے جمعے کی کلاس میں, اور پھر انشاءاللہ ہم آئندہ کورس آف ایکشن بھی اس میں ڈسکس کریں گے جمعے کی کلاس میں, اور یہیں سے انشاءاللہ اپنے کورس کو آگے لے کے چلیں گے مفعول کے ٹاپک سے. کسی ساتھی کا کوئی سوال یہاں تک؟ نہیں سر, ٹھیک ہے. نہیں سر. چلیں جی, آپ اس کو اسٹڈی بھی کر لیجیے گا, کوئی اور چیز ہوگی تو ان شاء اللہ یوم جمعہ کو آپ لوگ پوچھ سکتے ہیں. ٹھیک ہے سر. ٹھیک ہے, تو اب ان شاء اللہ ہم یوم جمعہ کو ملتے ہیں, اور یوم جمعہ جو ہے وہ کیا ہوگا ہمارا؟ ظرف آخری شر زمان. ظرف زمان. ٹھیک ہے جی, چلیں. واللہ اعلم. سبحانک اللہم و بحمدک, اشہد ان لا الہ الا انت, استغفرک و اتوب الیک. السلام علیکم و رحمۃ اللہ وبرکاتہ. یہ زمان کا بھی پیج نمبر 208 پہ ہی ہے صاحب کتاب میں. ظرف زمان اور ظرف مکان کی بہت ساری مثالیں ہیں 212 پہ, پیج نمبر 212 پہ, پیج 212. اس میں معنی کے ساتھ لکھے ہوئے ہیں کہ کیا کیا ظرف آ سکتا ہے. جیسے ہم نے تحتہ پڑھا نا, اسی طرح فوقہ بھی آ سکتا ہے, امامہ بھی آ سکتا ہے, خلفہ, قبلہ, بعدہ, تو اس طرح بہت سارے ہیں, بینہ جو کثرت کے ساتھ استعمال ہوتے ہیں. ٹھیک ہے, یہ سب ظرف مکان ہے. اور ظرف زمان کی تو کئی مثالیں, ٹھیک ہے, جیسے ہم نے پڑھی بھی تھی, صبح کا وقت ہے, شام کا وقت ہے, عشاء کا وقت ہے, ٹھیک ہے جی, دن ہے, ساعہ ہے, گھڑی ہے. ٹھیک ہو گیا جی. شکریہ سب, جزاک اللہ. والله اعلم. سبحانك اللهم وبحمدك, اشهد ان لا اله الا انت, استغفرك واتوب اليك. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته.